सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास में आपको नए नए और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्वतंत्र भारत में स्थानीय सरकार गांव और नगरीय स्तर की सरकार को वर्ष खालिस्तान में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज प्रणाली का के तहत औपचारिक रूप दिया गया था। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको सन पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूची है। 11वें नंबर की अनुसूची और 12वें नंबर की अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़ी गई, इसका भी पता होना चाहिए, सन का भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992। एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल से क्या क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, स्वतंत्र भारत में ना स्थानीय सरकार गांव व नगरीय स्तर की वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन एवं 74वें संविधान संशोधन के तहत 73वें के तहत 11वीं अनुसूची और 74 के तहत 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अब बात करें नगर पालिका से, ग्राम पंचायत से और नगर पालिका से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। 73वें संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत भाग नंबर 9, भाग नंबर 9, ठीक है जी, भाग नंबर 9 में कितने आर्टिकल है, 16 नए आर्टिकल, कुल 16 नए आर्टिकल जो कि 243 कै से लेकर 243 अने तक, ठीक है जी। और 11वें नंबर की अनुसूची ये जोड़ी गई थी। इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते, 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत भाग नंबर 9 जोड़ा गया था, 16 नए आर्टिकल थे, 243 कैसे अने तक और 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय है, ये आपको सभी को पता ही होगा। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। डेट याद रखनी है 2 अक्टूबर 1959, क्लियर है। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और पंचायत में कितने विषय रखे गए हैं, कुल 29 विषय, 29 विषय, कुल 29 विषय, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में पहली बार 1959 में नागौर जिले में लागू हुई थी। और ये डेट याद रखनी है आपको, 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार महिलाओं को ना, महिलाओं को पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था और 1/3 भाग आरक्षण दिया गया था महिलाओं को। डेट याद रखनी 2 अक्टूबर 1959 को, क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के। पंचायती राज विषय किसका है, 3 सूचियां होती है, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची। पंचायती राज विषय राज्य सूची का है, क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय संरचना, इनमें से कौन सा या कौन सी 3 स्तरीय प्रणाली से निम्नतम स्तर पर है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ग्राम पंचायत। सबसे निम्नतम कौन सी है, ग्राम पंचायत। नंबर 1 क्या होता है आपका, जिला परिषद, जिला परिषद या ऐसे बोलते हैं जिला पंचायत भी बोलते हैं, 3 स्तरीय है ना, उच्च वाली होती है जिला परिषद, ठीक है। इसका अध्यक्ष होता है जिला अध्यक्ष। नंबर 2 पर कौन सी आती है, क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ब्लॉक प्रमुख होता है इसका प्रमुख। नंबर 3 आती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत निम्न स्तर होते हैं, ग्राम प्रधान होता है इसका मेन प्रमुख, प्रमुख बोल दो या चुनाव में जो वो होता है प्रत्याशी होते हैं उसे क्या बोलते हैं। जिला परिषद या जिला पंचायत के चुनाव जो होते हैं उसमें जिला अध्यक्ष बनता है, क्षेत्र पंचायत में ब्लॉक प्रमुख होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान होता है। यही से आपको ये भी पता होना चाहिए, जो नगर पालिका है, नगर पालिका के क्वेश्चन, नगर पालिका से भी क्वेश्चन बनता है, नगर पालिका, नगर पालिका 74वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9A जोड़ा गया था, 9K जोड़ा गया था, जिसमें 18 अनुच्छेद थे और 12वें नंबर की अनुसूची, 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी, जो आपके 18 अनुच्छेद थे, 243 तय से लेकर है तक थे, ठीक है जी। नगर पालिका गठन भी 3 प्रकार से होता है। नगर पंचायत होती है 5000 से अधिक जनसंख्या के लिए नगर पंचायत बनती है। प्रमुख कौन होता है, इसका चेयरमैन।
नंबर दो नगर पालिका परिषद होती है, 10 लाख से कम जनसंख्या पर नगर पालिका परिषद होती है, चेयरमैन ही बनता है इसमें भी। नंबर थर्ड होती है नगर निगम, 10 लाख से अधिक जनसंख्या पर नगर निगम होता है बच्चों, मेयर होता है इसका प्रमुख। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1993 में लागू हुए संविधानिक खालिस्तान अधिनियम का गठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की तरह ही जमीनी स्तर पर भी लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए संविधानिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 1992 द्वारा। क्लियर है जी? और आपका एक बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पकार कहा जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, ग्राम पंचायतों के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान साल का होता है, कितने साल का होता है? क्वेश्चन नंबर फोर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। सभी स्तर की पंचायतों का कार्यकाल प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल भी पूछा जाता है 243E के तहत, आर्टिकल नंबर 243 सब क्लोज ई के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही इसका चुनाव कर लिया जाता है। यदि उसी समय से पूर्व भी भंग किया गया हो ना बच्चों, तो निर्धारित समय से ये 6 माह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कितने माह तक चुनाव होना चाहिए, 6 माह के भीतर चुनाव आवश्यक है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किसका सही ढंग से मिलान किया गया है? पांचों में आपको बताने हैं, सही होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, पी होगा आपका ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर होती है, फिर क्यों होगा पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है, जिला परिषद जिला स्तर पर होती है। क्लियर है? ये आपका जिला परिषद जिला स्तर पर होगी, और मतलब बढ़ते हुए क्रम में है, पी क्यू आर की फॉर्म में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। में आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, राजस्थान के नागौर जिला था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, डेट याद रखनी है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था, और इसके पश्चात आंध्र प्रदेश भी इस व्यवस्था को लागू कर पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला दूसरा राज्य बना। एपी, एपी बोले तो आंध्र प्रदेश, पहला तो सभी को पता है राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज प्रणाली में खालिस्तान श्रेणी संरचना होती है, कितनी संरचना होती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 3 संरचना होती है, 3 श्रेणी होती है। आर्टिकल नंबर याद रखना है आपको, आर्टिकल नंबर 40, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल नंबर 40। संविधान के अनुच्छेद नंबर 40 में ना कि राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के विकास की दायित्व सौंपा गया है। 1957 में क्या हुआ था, 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के ना इस संदर्भ में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा प्रस्तुत किया था। डेट आपको पता ही है, 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, 11वीं अनुसूची जोड़कर, और फिर आपका 74 के तहत 74वें संविधान संशोधन तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। एक द्विस्तरीय का क्वेश्चन बनता है, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता है, और द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों में युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में। क्लियर है जी? 1992 में 74वां संविधान संशोधन था, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 18 विषय का इसमें उल्लेख है, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्लियर है जी? जो आपका केंद्र स्तर पर ना नगरीय स्थानीय शासन का विषय 3 मंत्रालयों से संबंधित है, नंबर 1 नगर विकास मंत्रालय, नंबर 2 रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्डों के मामले इसमें सुने जाते हैं, नंबर 3 होता है गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्रों के मामले। स्थानीय शासन प्रणाली को ना संविधान की 12वीं अनुसूची में रखा गया है, वो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में महिलाओं को इनमें से कौन सा संविधानिक प्रावधान और विशेष अधिकार प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, पी और क्यों दोनों। महिलाओं के लिए आरक्षण को हर स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष को कुल संख्या के 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, 1/3 प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन क्यों क्या कहता है, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रत्येक नगर पालिका में सीधे चुनाव से भरने वाली सीटों की कुल संख्या का 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, दोनों आपके बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 के पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से आरंभ हुई थी, प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा नागौर राजस्थान, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11,
भारतीय संविधान में पंचायती राज के तहत किस सभा का उल्लेख है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सभा का। ग्राम सभा का भाग नंबर 9 अनुच्छेद नंबर 243 ख में ग्राम सभा के शब्द की परिभाषा दी गई है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, कितने सोपान है बच्चों उसमें त्रिस्तरीय में? इसका दूसरा सोपान, इसका पहला तो है जिला, दूसरे नंबर पर ग्राम सभा, तीसरा मध्यवर्ती स्तर, या ब्लॉक भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 243 प के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कितने वर्ष तक बनी रहेगी? डायरेक्ट पूछा कार्यकाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष, आर्टिकल नंबर 243 प के तहत। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण क्या सिद्ध करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पंचायती राज की स्थापना। भारत में राजनीतिक विकेंद्रीकरण पंचायती राज की स्थापना सिद्ध करता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग नंबर 9 में 11वीं अनुसूची जोड़कर जोड़ी गई थी। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।